अब सिंपल सी बात है, अगर आपको ए और डी का मान पता है तो आप कोई सा ही पद निकाल सकते हो, दुनिया का कोई सा ही पद निकाल सकते हो, चाहे लाखों पद हो चाहे हज़ारों पद हो चाहे कितने ही पद लगा लो निकाल सकते हो, सिंपल सा। तो यहाँ पर आपको फाइंड करना है अब ए थ्री। धन का मतलब यहाँ पर ये है, धन का मतलब पैसे वाला धन नहीं है, याद रखना ठीक है। बाकी करते हैं अपने स्टाइल में। एस टू क्या होता है भैया? एस टू मतलब कि प्रथम और दूसरे पद का योग। एस टू मीन्स क्या है? प्रथम और दूसरे पद का योग, यानी कि एस टू का आप ऐसे लिख सकते हो ना, ए वन प्लस में ए टू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो करते हैं स्टार्ट एक और इंटरेस्टिंग लेक्चर। तो ये आपका पार्ट सेवन है। तो जैसे कि पार्ट सिक्स, छः पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है और लास्ट वाले पार्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी और चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। तो इस पार्ट में हम देखने वाले हैं दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th एंड 12th, और करते हैं इस पार्ट को स्टार्ट। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से करते हैं स्टार्ट। जिसने भी पार्ट सिक्स नहीं देखा और इससे बचे पिछला जो भी पार्ट है नहीं देखा, तो जाकर कंप्लीट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको, जाकर कंप्लीट कीजिए। पार्ट फाइव भी आपका आ चुका है, पार्ट सिक्स भी आ चुका है, पार्ट सेवन ये रहा आपका, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11 से। तो सभी अपनी एनसीईआरटी साथ में लेकर बैठना और एक रफ नोटबुक साथ में लेकर बैठना, खाली हाथ में बैठना, ठीक है। तो बाकी स्टार्ट करते हैं। यदि किसी एपी के प्रथम एन पदों का योग, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ध्यान देखो, यदि किसी एपी के प्रथम एन पदों का योग 4n-n² है तो इसका प्रथम पद क्या होगा, अर्थात s1 क्या होगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि s1 जो होता है वो a1 के ही इक्वल होता है, क्योंकि प्रथम पद का योग क्या आएगा, प्रथम पद यानी पहला पद, और पहले पद का योग ही तो s1 होगा ना। तो s1=a1, ये बात आपको याद रखना है। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, s1 लिखा हुआ है, ना कि a1 लिखा हुआ है, क्योंकि s1 और a1 तो बराबर ही होता है, आपको जैसे पता ही है, ठीक है। आगे और क्या निकालना है आपको, प्रथम दो पदों का योग याद कीजिए, यानी कि हमें s2 भी फाइंड करना है। यहाँ तो ठीक है, बाकी अब ट्विस्ट का वाला पार्ट यहाँ पर स्टार्ट होता है कि दूसरा पद क्या होगा और तीसरा पद क्या होगा और दसवें पद क्या होगा और nवें पद क्या होगा, ये हमें बताना है। तो करते हैं स्टार्ट। पहले लिखेंगे क्या दिया हुआ है, हमेशा यही एक चीज़ याद रखना है आपको कि पहले क्या दिया वो लिखना है, फिर क्या चीज़ फाइंड करना है वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद अपने क्वेश्चन को आपको स्टार्ट करना है, इससे आपका काम आसान। बाकी करते हैं अपने स्टाइल में क्वेश्चन को स्टार्ट। तो यहाँ लिखेंगे हल और करते स्टार्ट। क्या दिया पहले आपको, किसी एपी के प्रथम एन पदों का योग, यानी कि एस एन आपको दिया हुआ है कितना, 4n-n² दिया हुआ है, ठीक है भैया। इसका प्रथम पद अर्थात s1 निकालना है हमें, तो s1 तो हमें फाइंड करना है, और जो s1 आएगा वो आपका a1 के इक्वल आएगा, क्योंकि s1 ही a1 होता है, ये बात आपको भूलना नहीं है। प्रथम दो पदों का योग यानी कि s2 भी आपको फाइंड करना है, ठीक है भैया। और दूसरा पद क्या होगा आपको निकालना है, यानी a2 भी फाइंड करना है हमें। और क्या फाइंड करना है आपको, तीसरा पद फाइंड करना है यानी a3 फाइंड करना है आपको, और आपको दसवां पद भी फाइंड करना है कि दसवां पद कितना है, और आपको an भी फाइंड करना है कि an कितना आएगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चन आपको मैंने लास्ट वाले पार्ट में करवा रखा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 कुछ ऐसे ही था। यहाँ पर आपको रखना है पहले n का मान 1, फिर 2 रखोगे, ठीक है। इस तरीके से आपका पहले आपको d निकालना है, देन फिर आपको आगे बढ़ते जाना है। जहाँ पर आपका a और d आ जाएगा वहाँ पर आप कोई भी पद निकाल सकते हो, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको a और d का मान पता है तो आप कोई भी पद ईजिली निकाल लोगे। बाकी यहाँ पर आपको पहले रखना है n=1, तो फर्स्टली हम रखेंगे n=1, जिससे हमारा s1 निकल जाए। तो जहाँ भी n है वहाँ पर आपको 1 रख देना है। तो 4 × 1 - 1² तो 4 × 4 - 1² तो 1 ही हो जाएगा सिर्फ। और यहाँ पर कितना हो गया, 4 - 1 3 आ जाएगा, यानी कि s1 आपका आ चुका है कितना, 3। और s1 = क्या होता है आपका, a1 होता है, यानी कि a1 भी आपका निकल चुका है कितना, 3। आगे बात समझ में। अब देखते हैं n = 2 रखकर, अब आपको रखना है n = 2। तो जब हम n = 2 रखेंगे तो जहाँ भी आपका n है वहाँ पर आपको 2 पुट कर देना है, सिंपल सा। तो 4 × n की जगह 2 रख देंगे, -2² ओके, 4 × 2 = 8, -2² = 4, तो यहाँ पर 4 आ गया। तो s2 आपका कितना आ चुका है भैया, s2 आपका आ चुका है कितना, 4। 8 - 4 कितना होता है, 4 होता है ना, तो 4 आपका आंसर आ चुका है। अब s2 निकलते ही आपका काम आसान हो चुका है, अब इसका आगे आप सॉल्व कर लोगे इजीली। कैसे, s2 क्या होता है भैया, s2 मतलब कि प्रथम और दूसरे पद का योग। s2 मीन्स क्या है, प्रथम और दूसरे पद का योग, यानी कि s2 का आप ऐसे लिख सकते हो ना, a1+a2 लिख सकते हो। यहाँ पर आपको a1 पता है कितना, अभी आपने निकाला ऊपर 3, और आप यहाँ से आपको s2 भी पता है कितना, 4। दोनों वैल्यू पुट करो, एक मान आपको नहीं पता, जैसा कि आप इक्वेशन में सॉल्व करते हो वैसे यहाँ पर बन गया, और यहाँ से आपका a2 निकल जाएगा, समझ आ गई बात। सारी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो s2 आपका 4 है, ठीक है। a1 आपको पता है कितना, 3, अभी आपने ऊपर निकाला है, और a2 आपको नहीं पता, तो a2 यहाँ से निकाल लेंगे। प्लस का 3 इक्वल के इस तरफ आके माइनस का बन जाता है, तो 4 - 3 = a2, तो यहाँ से a2 का मान आ चुका है कितना, 1। 4 में से 3 क्या कितना बचेगा, 1 बचेगा,
तो एक आपका आंसर आ चुका है, इसको मैंने सीधा कर दिया, ठीक है। एक स्टेप यहाँ बढ़ चुका है, एक स्टेप आप खुद से लिखोगे यहाँ पर, ए टू शोर्ट में वन। बाकी आपको बात समझ में आ गई ना यहाँ तक? अब आपको आगे क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन का यूज करके, मतलब इसका और इसका यूज करके आपको डी का मान निकालना है। करते हैं, आपका ए टू क्या होता है, ए प्लस में डी। पहले आप लिखो इस तरीके से, ए टू कितना दिया आपको, ए टू कितना निकाला आपने, वन निकाला है, और ए टू होता कितना है, ए प्लस में डी, ठीक है भैया। और ये कितना दिया हुआ है हमें, वन दिया हुआ है, वन हमने फाइंड करा है भी, ओके। और यहाँ पर हमें ए का मान तो पहले से पता है, कितना पता है, तीन, तो तीन यहाँ पर रख देंगे, उससे आपका डी का मान आ जाएगा, देखो इजीली तरीके से, ओके। तो प्लस का तीन उस तरफ जाके क्या बनता है, माइनस का तीन, यानी कि एक माइनस में तीन, और डी का मान आपका आ चुका है कितना, माइनस का टू। एक में तीन क्या कितना बचेगा, दो बचेगा, और बड़े में साइन कैसा है, माइनस का, तो माइनस का यहाँ पर आ जाएगा, तो डी का मान आपका आ चुका है कितना, माइनस का टू। आगे बात समझ में, आप देखो आपका डी का मान निकल चुका है, ए का मान निकल चुका है, अब क्या क्या चीज़ बच गया है वो निकाल लो आप। आपका एस वन हो चुका है, एस टू भी आपने निकाल लिया, ए टू भी आपने निकाल लिया, अब आपको निकालना है ए थ्री। अब सिंपल सी बात है, अगर आपको ए और डी का मान पता है तो आप कोई सा ही पद निकाल सकते हो, दुनिया का कोई सा पद निकाल सकते हो, चाहे लाखों पद हो, चाहे हज़ारों पद हो, चाहे कितने ही पद लगा लो निकाल सकते हो, सिंपल सा। तो यहाँ पर आपको फाइंड करना है अब ए थ्री, ए थ्री करते हैं। ए थ्री क्या होता है भैया, ए प्लस में टू डी, आप नहीं भूलना भाई, आप बहुत ज़्यादा लेक्चर हो चुके हैं, आप याद रखना, ठीक है। ए थ्री क्या होता है आपका, ए प्लस में टू डी, अगर अभी भूल रहे हो तो प्रैक्टिस करो, रिपीट करके दोबारा देखो, ए प्लस में टू डी, बाकी सारे के सारे मान यहाँ पर रख दो और आपका यहाँ से ए थ्री आ जाएगा ईजिली। ए का मान कितना देखा आपको, तीन दिया हुआ है, तो तीन यहाँ पर रख दोगे, दो गुड़े में डी का मान कितना निकाला आपने, माइनस का दो, तो माइनस दो यहाँ पर रख दो इस तरीके से, ओके भैया। तीन प्लस में प्लस माइनस, माइनस होगा तो माइनस बाहर रख दिया, दो दो नहीं चार, ओके। तीन में चार क्या कितना बचेगा, एक बचेगा, पर कैसा, माइनस का, क्योंकि बड़े पे साइन कैसा है, माइनस का है भैया, तो माइनस का एक आपका आंसर आ चुका है। तो ए थ्री कितना निकाल लिया आपने, माइनस का एक, चलो ए थ्री भी निकल गया आपका। अब आपको निकालना है ए टेन, तो ए टेन करते हैं फिर यहाँ पर, तो ए टेन कितना होता है आपका, ए प्लस में नाइन डी। अब तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा ना, अगर कोई डाउट आ रहा हो तो अभी कमेंट बॉक्स पूछ सकते हो, बाकी कोई यहाँ पे डाउट आने वाला कुछ चीज़ तो है नहीं, ये तो इतना ईजी है। आपने जो 5.1 में कर रखा है, जो आपने 5.2 में कर रखा है, वही चीज़ है बस, सिंपल सा। और आपको एक बात याद रखना है कि जो आपका 5.3 है ना, 5.1 एंड 5.2 को मिला के बनाया गया है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दिया गया है और थर्ड ट्विस्ट वाला क्वेश्चन दे दिया गया है, जैसे कि बताता हूँ आपको मैं, और आपको 5.3 बना दिया गया है। बाकी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ज़्यादा वेटेज है इस चैप्टर का, ठीक है, तभी इतना लंबा ले रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर आपको सारी वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर, ए का मान कितना निकाला आपने, तीन निकाला, तो तीन यहाँ पर रख दोगे सिंपल सा, प्लस में नाइन गुड़े में डी का मान कितना निकाला आपने, माइनस का टू, तो माइनस का टू यहाँ पर रख दोगे, रख दिया भैया, तो तीन एजिटिस देगा, प्लस माइनस, माइनस होता है तो माइनस यहाँ पर रख दोगे, नो तो नहीं 18, तो 18 यहाँ पर रख दोगे। अब तीन में से 18 गया, कितना बचेगा, 15 बचेगा भैया, और बड़े पे साइन कैसा है, माइनस का है, तो फिर से माइनस का 15 आ जाएगा, ठीक है। 18 में निकल गया आपका, ओके। अब क्या बच गया भैया, अब आपका बच गया ए एन, तो भैया ए एन निकालेंगे अब, तो ए एन तो सिंपल है, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ, फॉर्मूला तो नहीं भूलना, अभी तक भूलना ही मत, अगर भूल रहे हो तो एक आइडिया देता हूँ आपको, क्या करो, अपने जहाँ भी पढ़ते हो, टेबल के पास जो भी पढ़ते हो, अपने सामने चिपका लो तीनों फॉर्मूलों को, और जब जब पढ़ा करो उसको रिवाइज कर लिया करो उससे पहले, या फिर अपने जब जो भी अपने मैथ्स की एक फेयर को भी बना रखा है ना अपने, कभी नहीं अभी तक नहीं बनाया, नहीं बनाया तो तुरंत बना लो, ठीक है, इतने देर से बोल रहा हूँ आपको, तो एक फेयर को भी रखो, जो भी करवाते जा रहा हूँ आपको उसमें नोट करते जाया करो, और एक फॉर्मूला नोटबुक भी बना सकते हो चाहो तो, छोटी सी पतली सी डायरी टाइप की, ठीक है, या फिर जो आपका मेन फेयर वाला नोटबुक है उसके पहले दो चार पेज पर आप फॉर्मूला लिख सकते हो, या फिर चैप्टर को स्टार्टिंग होने से पहले ही फॉर्मूला लिख सकते हो। बाकी आपको मैं इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था, वहाँ से आपने नोट कर ही लिया होगा, जिसने नहीं करा उसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस वन डी, फॉर्मूला पूरा लिखना है तो करोगे, यहाँ पर फॉर्मूला लिखना जरूरी है। यहाँ पर तो आपने शॉर्ट ट्रिक से काम चला लिया कि ए टेन छोट में ए प्लस में एन माइनस वन डी की जगह नाइन डी लिख दिया आपने, पर यहाँ पर आपको पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको एन का मान नहीं पता, आपको एन की जगह एन ही पुट करना है, ओके। तो एन की जगह एन रख दिया, ए का मान कितना है, तीन है, ओके, प्लस में एन की जगह तो एन ही रखना है तो रख दो यहाँ पर, माइनस में डी का मान कितना है, माइनस का टू, तो माइनस का टू यहाँ पर रख दोगे इस तरीके से। बाकी हो चुका है आप कंप्लीट, तीन माइनस का टू को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस का टू प्लस के एन से मल्टीप्लाई होगा, कितना बनेगा, माइनस का टू एन बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का यहाँ पर टू हो गया। इसे खोलने में कोई दिक्कत तो नहीं आता ना आपको, ये साथ ही बच्चे करते हैं, आप दसवीं पढ़ते हो, ठीक है, बाकी यहाँ पर कोई दिक्कत आना भी नहीं चाहिए, इसको पहले से मल्टीप्लाई करते हैं देन इसको इससे करते हैं, अगर इतनी भी दिक्कत आ रही है तो जाके बेसिक मैथ को, बेसिक मैथ की सीरीज को जाकर ज्वाइन करो, ठीक है, चल रही है आपके लिए, वहाँ पर सिखा रहा हूँ ये सब। तो बाकी यहाँ पर तीन और दो कितना होता है, पाँच होता है, तो पाँच माइनस में टू एन आपका आंसर आ चुका है, तो एन का मान कितना आ गया, पाँच माइनस में टू एन, और ये आपका फाइनल आंसर है, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। आगे बात समझ में, अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर।
अगर अभी भी कोई डाउट आ रहा है तो दोबारा बोलो, रिपीट करके देखो पूरा, शर्माओ मत, ठीक है, रिपीट करके पूरा देखो तभी समझ में आएगा। फिर पॉज करके दोबारा से प्रैक्टिस करो, उसके बाद आपको समझ में आएगा, ठीक है। एक बार में किसी को समझ में नहीं आया था, समझ आई बात, तो बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आने वाला है। ये है भी तो मैं आया था, इतना आसानी से किसी को समझ में नहीं आता, ठीक है। अगर हार्ड लग भी रहा है तो सीधी बात बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आने वाला है, और कोई दूसरा चारा नहीं है। तो बाकी आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो भाई साहब आपके लिए आ चुका है सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, और सबसे आसान क्वेश्चन है, इसको आपने पहले कर रखा है 5.2 में, करा है ना। तो बाकी सबसे ईजी है, पहले क्वेश्चन समझ लो एक बार, उसके बाद आप खुद ही कर लोगे इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पर, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। कैसे पहले क्वेश्चन करवाया था ना मैंने आपको, बताओ कहाँ पे करवाया था, एक्सरसाइज नंबर 5.2 में। इतना जल्दी भूल गए, बहुत भुलक्कड़ भाई साहब, मूवी नहीं भूलते, कार्टून नहीं भूलते, ये सब भूल जाओगे, ऐसे कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग बताना है, वहां पर आपने पद निकाला था, यहाँ पर योग पूछा है, बस यही डिफरेंस है, और कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो 6 से विभाज्य हो, 6 से विभाज्य मतलब 6 का पहाड़ा पढ़ लो, वही आपको लिखना है। 6 का पहाड़े की आपको एपी बनाना है, और ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया था अभी आपको, अभी आपको एक शॉर्ट वीडियो दिया था ना मैंने, उसमें आपको होमवर्क दे रखा था, तो सेम ऐसे कुछ क्वेश्चन था वो वाला भी। वहाँ पर आपका एन का मान दूसरा था, और उसकी सॉल्यूशन वीडियो आपकी ला दिया मैंने, आपने देख भी लिया होगा, तो कुछ ऐसा क्वेश्चन आला भी है। बाकी समझ बात करते हैं स्टार्ट इस क्वेश्चन को। तो ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। धन मीन्स पॉजिटिव, पूर्णांक कैसे होता है जो 0 से स्टार्ट होके, पूर्णांक पता है ना कि, ये भी नहीं पता, क्लास 9th का ही है, ठीक है। तो बाकी ये सब मैं तुम्हारी बेइज्जती क्यों कर रहा, पता है, अभी से सीख जाओ, ठीक है, सही रहेगा, तुम्हारा फायदा रहेगा, बाकी लेट कर दोगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। ये सब 9th क्लास का है, सब बच्चे 7th क्लास में पढ़ते हैं। तो पूर्णांक क्या होता है, जो 0 से स्टार्ट होकर धनात्मक की तरफ अनंत तक और ऋणात्मक की तरफ अनंत तक जाता है, उसे कहते हैं क्या, पूर्णांक। तो यहाँ पर धन क्या लिखा है, धन मतलब कि धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव वाला आपको नंबर लेना है। ये नहीं कि आप माइनस का 6 माइनस का 12 ये सब लेके बैठ जाओगे, भाई ये सब नहीं करना आपको, ठीक है। आपको सिंपल सा क्या लेना है, पॉजिटिव वाला, यानी 6, 12 को ये सब लेना है, मतलब धनात्मक यानी कि पॉजिटिव वाला टर्म्स आपको लेना है। आगे बात समझ में, धन का मतलब यहाँ पर ये है, धन का मतलब पैसे वाला धन नहीं है, याद रखना, ठीक है। तो कई बच्चे ये समझ ले कि पैसे वाला धन, और कभी तो समझ में नहीं आ रहा हो क्या लिखा हुआ है, धन पूर्णांक तो भैया पढ़ा ही नहीं मैंने अभी तक, क्या लिखा हुआ आ गया धन पूर्णांक, हमको तो समझ में नहीं आता, समझ लो अभी, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखो 6 का पहाड़ा लिख दो पहले यहाँ पर, तो ए पी आपको बनाना है, 6 का पहाड़ा आता है ना, 6 × 6, 6 × 12, 6 × 18, 6 × 24, बस डैश। और यहाँ पर एन इक्वल टू आपका है कितना, 40। देखो पहले आपको इस तरीके से करना है, उसके बाद आपको याद रखना है, धन पूर्णांक का सिंपल सा मतलब है कि पॉजिटिव वाला, और ये सब पूर्णांक तो पहले से ही पता आपको है, 1, 2, 3, 4 ऐसे पूर्णांक ही तो होते हैं, ठीक है। तो बाकी आपको स्टार्ट कर देना, यहाँ से आपका ए और डी का मान आ जाएगा, और एन तो आपको दे ही रखा है, और आपको मैंने एस एन का एक फॉर्मूला लिखवाया था, जहाँ पर एन ए और डी का मान हो, जहाँ पे ए एन और डी का मान पुट करके हम एस एन का मान निकालते हैं, तो वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है, ठीक है। तो बाकी यहाँ से पहले आप ए निकाल लो, तो ए कितना आ गया, प्रथम पद यानी 6 आ गया, डी कितना है भैया, भाड़ा 6 का चल रहा है ना, तो डी भी आपका 6 ही आएगा, पर आपको निकाल के दिखाना होगा, कैसे निकालोगे, यहाँ पर आप लिखोगे ए टू कितना है भैया, 12 है, और ए थ्री कितना है, यहाँ पर आपने ए थ्री लिख दिया, अब आपको डी कैसे निकालना है, सिंपल सा तरीका है क्या, ए थ्री माइनस में ए टू, ठीक है, और सारी वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर आपका डी निकल जाएगा। तो ए थ्री क्या आपका 18 है माइनस में 12, और 18 में से 12 गया, तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, तो 6 आपका यहाँ पर आ गया, तो डी का मान कितना आ चुका है, 6, और डी का मान आप यहाँ से पता कर सकते हो कि 6 से क्या है, विभाज्य हो रहा है, इसका मतलब 6 का पहाड़ा चल रहा है, तो 6 क्या होगा आपका, सार्व अंतर होगा, तो सिंपल सी बात है। अब निकालते हैं एस एन, ठीक है, आपको ए का मान मिल चुका है, डी का मान मिल चुका है, आपको एन का मान पहले से पता है, तो आपको एस एन निकालना है, यानी कि आपको एस 40 ज्ञात करना है, यानी कि आपको एस 40 ज्ञात करना है। आपको मैंने पहले बता रखा है कि जब भी आप कोई भी एस एन एन का क्वेश्चन कर रहे हो, उससे पहले फॉर्मूला लिखना ज़्यादा जरूरी है, क्यों, फॉर्मूला लिखने से टीचर सामने इंप्रेशन अच्छा जाता है, आपके एरर कम होते हैं, याद रखना, ठीक है। तो एन बाय टू ब्रैकेट में 2a प्लस में एन माइनस 1d, टीचर सामने इंप्रेशन जाए जाए ना जाए, आपके एरर करने के चांसेस कम होंगे, ये बात मेन है पहली बात। तो एस जहाँ भी एन वहाँ 40 रख दो, तो सारी वैल्यू पुट कर देंगे, बाकी सॉल्व करके आपका आंसर फाइनल आ जाएगा। तो ए का मान कितना निकाला है हमने, कितना निकाला भाई, 6 निकाला, तो 6 यहाँ पे पुट कर दो, प्लस में डी का मान, एन का मान कितना है, 40, तो 40 यहाँ पर रख दोगे माइनस का 1, डी का मान कितना दिया हुआ है आपको, 6, तो 6 यहाँ पर पुट कर दोगे सिंपल सा, तो 40 को 2 से भाग करने पे कितना आया भैया, 20 आ चुका है, और 6 दुनी कितना होता है, 12 होता है, और यहाँ पर आपका आ चुका है 39, 40 पे से गया तो 39 बचेगा घोड़े में 6। बाकी जिसको भी स्लो लग रहा है ना, वो 2x पे करके देख लिया करो, ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी को स्लो लग रहा है तो 2x पे करके देख सकते हो, 2x का इसमें ऑप्शन है, ठीक है, आपके लिए अवेलेबल कर दूंगा मैं, होता है पहले से अवेलेबल, करना क्या पड़ेगा, तो 2x पे करके देख लिया करो, जिससे आपका टाइम सेव रहे, ठीक है। बाकी जिसको ज्यादा स्पीड पसंद नहीं है, जो स्लो में करके देखना चाहता है, तो देखो ऐसी 1x पे चल तो रही है, तो 12 प्लस में 39 को 6 से गुणा कर दो, कितना देगा, 6 × 9 = 4, 5 × 6 = 18, 5 कितना होगा, 23, तो 234 यहाँ पर आपका हो गया।
तो 20 तो 12 में 234 को ऐड कर दो, कितना ऐड करने पर 4 और 2 कितना होता है 6 होता है, ठीक है, और 3 और 1 कितना होता है 4 होता है, और 2 यहाँ पर आपका आ चुका है, तो 240 यहाँ पर हो गया। ओके, आप दोनों को गुणा कर दो, 20 को 240 से गुणा कर दो, तो कितना आंसर आ गया, वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो 6 दुनी 12 दो हासिल 1 हो गया, 4 दुनी 8 और 1 9, 2 दुनी 4 और 0 लास्ट में लगा देंगे, जैसा कि आपको पता ही है। तो 4920 आपका आंसर आ चुका है, कितना S40 आपका आ चुका है 4920, और ये आपका फाइनल आंसर है। और इसी के साथ आपका 12th क्वेश्चन कंप्लीट होता है, यानी 12 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, और हार्ड भी आया था क्लास में पढ़ने के लिए, ठीक है। देखो दोबारा आ गया, तो तुम इसे देख ही सकते हो लाइव क्लास में, तो मैं इनसे, ये मेरा दोस्त है, ठीक है, तुम्हारा दोस्त है, मेरा दोस्त नहीं, मैं तो स्टूडेंट है, ठीक है, तो बाकी ये भी क्लास लेने आता है, तो ये देख लो, थोड़ी मस्ती वाली बात होगी। तो बाकी करते हैं लेक्चर को एंड, और आपका पार्ट 7 होता है कंप्लीट, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 8 के साथ, तो पार्ट 8 आपका कल ही आने वाला है, तो पार्ट 8 भी आपको देखना है, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे राधे। और जिससे पार्ट 6 नहीं देखा, जाकर कंप्लीट देखो अभी तुरंत, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है आपके लिए, ठीक है।